स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज YouTube पे NTT-ECCE की यूनिट 2। हाँ, हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर ली थी यूनिट 1 कंप्लीट, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 1। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। समझते हैं चीजों को। अब इसका नाम रहेगा यूनिट 2। सबसे पहले तो हम यूनिट का नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक्स, यानी कि चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक्स। इसके अंदर बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, साथ में माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी कि बाल स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य एक विभाग भी होता है, एक डिपार्टमेंट भी होता है गवर्नमेंट के अंदर। हर एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, तो ये एक विभाग भी होता है। और ये हमारा इसमें एंटिटी में पढ़ना क्यों जरूरी है, हम जान लेते हैं कि पहले हमें स्वस्थ बालक का शारीरिक मानसिक सर्वांगीण रूप से बालक का स्वस्थ होना जरूरी है, तभी हम उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे या यूं कह सकते हैं हम उसे एक अच्छा नागरिक बना पाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन इन ब्रीफली कितनी तरह की हेल्थ होती है। सबसे पहले तो हम उठाई लेंगे हेल्थ टॉपिक को। अब ये हेल्थ कितने प्रकार की होती है, हमारा इसके अंदर प्रश्न एक है, क्वेश्चन नंबर 1। स्वास्थ्य के प्रकार या फिर कह सकते हैं स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें इनको फर्स्ट एक्सप्लेन करना है, शारीरिक भौतिक विकास और मानसिक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक व भौतिक फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो। और थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक विकास। चलिए फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, बिना देर किए हुए वीडियो को आगे लेके जाते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के कई प्रकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके तीन प्रकार माने हैं, यानी कि WHO के अनुसार ये तीन प्रकार है। कौन कौन से? शारीरिक और भौतिक, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। फर्स्ट है शारीरिक या भौतिक विकास या स्वास्थ्य विकास कह लो आप इसको, या आप इसको स्वास्थ्य भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के अंतर्गत, तो यहाँ पे आप स्वास्थ्य ही कहेंगे, ठीक है। देखिए, शारीरिक या भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक या भौतिक विकास को समझना प्राय सबसे आसान है। इसका अर्थ है शरीर के सभी अंग तथा पर तुरंत शरीर में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रखते हुए अपनी अपेक्षा क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसकी पहचान साफ सुथरी त्वचा, कांतिमय चमकदार आंखें, पर्याप्त भूख लगना, मलाशय और मूत्राशय का नियमित रूप से कार्य करना तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा शरीर के सही क्रियान्वयन से होता है। यानी कि शारीरिक विकास से तात्पर्य है कि हमारी त्वचा का, शरीर का, किसी अंग का, मतलब जो पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग से है। और इंटरनल और आउट मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी कि दो हमारी बॉडी में, एक तो ऊपरी त्वचा जो है उसके ऊपर से, और अंदरूनी जो भी
इंटरनल ऑर्गन्स है उनका प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करना यानी कि वर्क करना, कार्य करना सुचारू रूप से अति आवश्यक है। अगर किसी भी प्रकार से ये कोई दिक्कत है तो वो एक किसी डिसेबिलिटी में आएगी। ठीक है, ये हो गया शारीरिक व भौतिक स्वास्थ्य के अंदर। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में वही एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, विद्यालय में शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ परस्पर जो एडजस्टमेंट है वो। देखिए समाज में स्वयं को प्रतिस्थापित करना, समाज को अपने और परिवार के विस्तृत रूप में पहचानना तथा आनंददायी जीवन यापन के लिए ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें सभी प्रेम पूर्वक तथा सही तालमेल के साथ रह सके, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के चरण है। सामाजिक स्वास्थ्य में मनुष्य अपने तथा अपने परिवार के सुख साधनों को जुटाकर शांति पूर्वक वातावरण में रहता है तथा अन्य के लिए ऐसे ही वातावरण की अपेक्षा करता है। इन तीन प्रकारों के कुछ निम्न प्रकार भी हैं, जैसे भावनात्मक पहलू और आध्यात्मिक पहलू। दो पहलू और भी हैं, एक तो है भावनात्मक पहलू और एक है आध्यात्मिक पहलू। भावना यानी कि इमोशन से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। ठीक है, देखिए भावनात्मक पहलू, इस पहलू को मानसिक स्वास्थ्य के साथ समाहित किया जाता है, लेकिन समय के साथ इनमें अंतर अनुभव किया जाता है। जहां मस्तिष्क का संबंध सत्यता को जानने समझने से है, भावनाओं का संबंध दिल में दिल के भावों से है। आध्यात्मिक पहलू, यह माना जाता है कि आध्यात्मिक मानसिक शांति देता है, आध्यात्मिक मानसिक शांति देता है तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त अन्य कई शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। संपूर्ण अथवा वास्तविक स्वास्थ्य। संपूर्ण और वास्तविक स्वास्थ्य क्या है, जब हम इन सबकी जानकारियों को समाहित कर पूर्ण स्वास्थ्य को अग्र शब्दों में परिभाषित किया जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें उसके शरीर का प्रत्येक अंग एवं तंत्र सही कार्य कर रहा हो, उसका मस्तिष्क सोचने समझने तथा समायोचित निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, बाहरी समाज से उसका सही तालमेल बना रहे। मतलब कि आपका बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट होना, साथ में मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सामाजिक स्वस्थ होना भी जरूरी है, तभी एक बच्चा प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है, चीजों को सीख सकता है, एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे के हम टॉपिक्स में सीखेंगे ये क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा जो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। और स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और वो भी विद्यालयों में इसलिए पढ़ाना क्यों अनिवार्य है, या हम एनटीटी के विद्यार्थी जो है, मेरे सभी मित्र जो हैं जो एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, ईसीसीई का कोर्स कर रहे हैं, उनको ये पढ़ना जरूरी क्यों है, देखते हैं। आइए इसके कुछ पहलू हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण देने का सबसे अच्छा और मनोवैज्ञानिक तरीका है। छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण, व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकों एवं निर्देशों द्वारा, समाज सेवा कार्यक्रमों द्वारा, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का योगदान क्या है इसमें, और स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए जानेंगे। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण का ज्ञान छात्रों को देना उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य विषयों का। स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत व्यायाम तथा खेलकूद के अतिरिक्त छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उस देश के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जिस देश में छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा उस देश का नैतिक पतन होगा तथा वहां के नागरिकों के शरीर निर्बल और अशक्त होंगे। फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर हो उसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान कराया जाना अत्यंत उपयोगी है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चों की हेल्थ दिन प्रतिदिन गिरती चली जाएगी, क्योंकि वो विद्यार्थी जो है, सपोज कीजिए 9 बजे उनका स्कूल लगता है और 2:30-3 बजे तक वो स्कूल ही में रहते हैं, उसके बाद वो घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद वो होमवर्क करने में जुट जाएंगे,
तो उनको टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर गेम्स करो। तो स्कूल के अंदर व्यायाम करना या स्पोर्ट्स टीचर रखना, स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज कराना इसलिए जरूरी है। अगला है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण की विधियां। अब विद्यालय में क्या क्या विधियां हो सकती हैं? स्वास्थ्य शिक्षण को पाठशालीय शिक्षा का एक अंग मानते हुए स्वास्थ्य शिक्षण निम्न प्रकार से पाठशाला में विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण देने का सबसे अच्छा और मनोवैज्ञानिक तरीका है छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना और उन्हें प्रोत्साहन देना। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि छात्र विद्यालय तथा घर पर कुछ अच्छी स्वस्थ आदतें सीखे। यह तभी संभव हो सकता है जब छात्र के शिक्षक तथा अभिभावकों एवं स्वयं स्वस्थ आदतें रखें, यानी कि शिक्षक और अभिभावक दोनों ही स्वस्थ आदतें, शिक्षक और अभिभावक जो है वो स्वस्थ आदतें रखें। जैसे कि मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो स्कूल में है तो उनको ये पान पुड़िया मसाला ये खाना निषेध होना चाहिए। वो अगर बच्चों के सामने खा के रहेंगे तो बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? उनकी पर्सनैलिटी भी, एक प्रॉपर अटायर में वो बच्चों के सामने जाए, ऐसे नहीं कि कुछ भी पहन के जा रहे हो, उनकी पर्सनैलिटी भी काफी इम्पैक्ट डालती है बच्चों की लाइफ स्टाइल में और फिजिकल हेल्थ में। यदि विद्यालय का वातावरण एवं विद्यालय भवन साफ होगा तो बच्चे भी साफ सफाई से रहना पसंद करेंगे और अपने चारों तरफ भी साफ सफाई का अनुकरण करेंगे, पालना करेंगे। छात्रों का स्वास्थ्य शिक्षण, अब स्वास्थ्य शिक्षण की बात करते हैं। छात्रों का स्वास्थ्य शिक्षण अन्य विषयों के शिक्षण की तरह ही छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षण भी दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षण की कक्षाओं में छात्रों को स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का ज्ञान देना तथा उनको व्यवहार में लाने की बातें सिखाई जानी चाहिए। प्रतिदिन विद्यार्थियों के कपड़े तथा शरीर का निरीक्षण होना चाहिए। प्रॉपर अटायर में बच्चे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसका एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना किसी शिक्षक विशेष का कार्य नहीं। प्रतिदिन विद्यार्थियों के कपड़े तथा शरीर का निरीक्षण होना चाहिए। गंदे कपड़ों में बिना स्नान के आने वाले विद्यार्थियों को रोका टोका जाना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य के लाभ से परिचित कराया जाना चाहिए कि हमें स्वस्थ स्वच्छ रहना क्यों चाहिए, स्वच्छ रहने के हमें क्या फायदे हैं, साफ सुथरे विद्यालय में आने की क्या इम्पोर्टेंस है। तो और अगर आप कोई भी स्कूल में जाते हो, आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना क्यों जरूरी है, एक विद्यालय के अंदर एक शिक्षक को बताना चाहिए विद्यार्थियों को। व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा, छात्रों को व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना उतना ही आवश्यक है जितना कि पाठ्य पुस्तकों का सामान्य ज्ञान देना। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देना किसी शिक्षक विशेष का कार्य नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकों एवं निर्देशों द्वारा, स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तकों एवं निर्देशों द्वारा, स्वास्थ्य शिक्षा पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। इन पुस्तकों को पढ़ने से बालकों को बहुत लाभ हो सकता है। इसके अध्ययन से वे इसके बारे में बहुत सी अच्छी आदतें तथा स्वास्थ्य रक्षा के उपाय सीख सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकों को छांटकर अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में रखी जाए तथा छात्रों को उन्हें पढ़ने की सलाह दी जाए। इसी प्रकार समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरफ से स्वास्थ्य रक्षा के नियमों तथा निर्देशों की जानकारी भी छात्रों को होती रहनी चाहिए। समाज सेवा कार्यक्रम द्वारा, छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार समाज सेवा के कार्यक्रमों में लगाया जाना चाहिए। कोई भी ज्ञान एवं शिक्षा उस समय तक सफल नहीं की जा सकती जब तक कि व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग न हो। स्वास्थ्य शिक्षा भी छात्रों के व्यवहारिक रूप से दी जानी चाहिए। समाज से कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे छात्र ऐसे नगरों तथा गांवों में जाकर स्वयं साफ सफाई का कार्य करें जहां गंदगी फैलती हो तथा रोग फैलते हो। इसके लिए सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि छात्रों में समाज सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इससे छात्र स्वयं समाज सेवा के प्रति रुचि रखेंगे और ऐसे समाज सेवा के कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिससे कि वे छात्र बल्कि पूरे समाज स्वस्थ रहने के नियमों का पालन करेगा। छात्र ही नहीं बल्कि पूरा समाज स्वस्थ रहने का कार्यक्रम करेगा। जैसे विद्यालय में या कॉलेजेस के अंदर एनसीसी कैंप्स लगाए जाते हैं, एनएसएस लगाए जाते हैं, इनके अंदर इसी तरह की सीख दी जाती है। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो उनको परिंडे बांधना पक्षियों के लिए क्यों जरूरी है, उनके महत्व के बारे में बताया जाता है और उन्हीं बच्चों से ही वो गतिविधियां कराई जाती है ताकि वो उनकी डेली डे टू डे लाइफ के अंदर एक पार्ट बन जाए और ये एक समाज सोसाइटी में भी एक संदेश दे। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। अब हम इतना पढ़ रहे हैं ये सब चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक, बाल कल्याण स्वास्थ्य टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, देखिए जानते हैं। शिक्षकों का यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि
स्वास्थ्य शिक्षा को भी उतना ही महत्व दे जितना कि वे अन्य सामान्य ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ाने पर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह देखना चाहिए कि छात्रों को पढ़ने के कक्ष स्वच्छ और हवादार होनी चाहिए, यानी कि विद्यार्थी जहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं, क्लासरूम है या फिर कोई भी कॉमन रूम है, कोई एक्टिविटी रूम है, वो उसमें से प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा आर पार होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, प्रॉपर हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान में भी रखा जाना चाहिए कि छात्र अच्छी आदतों को जीवन में उतारे। स्वास्थ्य शिक्षा अथवा किसी भी शिक्षा का महत्व उस समय तक नहीं है जब तक कि वह व्यवहार में न लाई जाए। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसको जीवन में उतारने में से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। स्वास्थ्य शिक्षा न केवल छात्रों को वरन छात्रों के अभिभावकों को भी दी जानी चाहिए। अनभिज्ञ माता पिता अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ये तो सही बात है, पेरेंट्स बच्चों को जैसा है जैसा तैसा है तैयार करके भेज देते हैं, बस उसके ऊपर ध्यान ज्यादा भी नहीं देते। कुछ फैमिलीज की बात कर रही हूँ, ऐसा सभी के साथ नहीं है, बट कुछ बच्चे ऐसे घर परिवेश से आते हैं जिनके माता पिता उनको एक ड्यूटी समझते हैं कि बस इसको तैयार कर दो और भेज दो विद्यालय, बस उनकी ड्यूटी वहां खत्म हो जाती है, बाकी टीचर जाने स्कूल वाले जाने। तो ऐसा रवैया जिन गार्जियंस का है उनको भी बताना जरूरी है कि भाई आपका बच्चा विद्यालय से ही तैयार होके जा रहा है, आप उस पर एक नजर तो डाल ही सकते हैं, देख तो सकते हैं कि वो किस तरीके से जा रहा है ना, मतलब साफ सुथरे कपड़ों में है भी कि नहीं, बूट पॉलिश है भी कि नहीं, तो ये सब चीजें चेक करें। स्वास्थ्य शिक्षा न केवल छात्रों को वरन छात्रों के अभिभावकों को भी दी जानी चाहिए, यही कारण है। अनभिज्ञ माता पिता अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, इससे बालक बचपन से ही अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थ बच्चे समाज और शिक्षक दोनों के लिए ही भारभूत है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे प्रारंभिक वर्षों में बालक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ अभी कुछ दिन पहले अर्थ डे था तो एक छोटे बच्चे को टीचर ने कहा कि आपको 8 लाइन रन करके आनी है। अब जब मैंने उस बच्चे से लाइन सुनी तो उसने बोला कि मैडम टीचर मेरी मम्मी ने कहा है कि 4 लाइन ही याद करके चले जाना, नीचे की 4 तो जरूरी नहीं है और तुमसे इतना ही याद होगा। जब आप खुद ही लिमिट तय कर देंगे तो बच्चा फिर आगे पढ़ेगा कैसे, आप खुद ही कह देंगे कि जैसा भी ये गंदा संदा तू जा आज ऐसा का ऐसा ही चल रहा, तो फिर वो बच्चा तो यही सोचेगा कि मैडम जो बोलने वाली है वो ही गलत बोल रही है क्योंकि मेरी मम्मी तो सही ही बोल रही है कि मुझे तो ऐसे गंदे गंदे ही जाना है। तो बच्चे की भी साइकोलॉजी उसी प्रकार से डेवलप हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, डेली नहाना है, प्रॉपर ब्रश करना है, यूनिफॉर्म को टकिंग शर्ट्स को इन करना है, टाई प्रॉपर लगानी है, बेल्ट लगाना है, तो ये सभी एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चों का ये सब चीजें टाइमली चेक करे। तो इन दिस वीडियो इतना ही, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा 3rd क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।